हेलो फ्रेंड, shashishukla.com के चैनल आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने प्याज काट लिया है एक मीडियम साइज़ का, टमाटर एक मीडियम साइज़ का, शिमला मिर्च काट ली है एक मीडियम साइज़ की, और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने काट लिया है। और ये बटर हमें लिया सेकने के लिए हमें चाहिए होगा। ये देखिए, मैंने 200 ग्राम जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है मोज़रेला चीज़, इसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस में ग्रेट करके रख लिया है। और हमें बाकी चीज़ें चाहिए, ये देखिए, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, ये काला नमक और सफ़ेद नमक लिया है मैंने, स्वाद अनुसार नमक लेना है। ये चाट मसाला लिया है मैंने, और ये देखिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब, ये मैंने तीनों एक साथ खोल लिया है। एक एक छोटे छोटे पाउच थे, वो तीनों एक एक पाउच डाल दिया है। तो चलिए, और ब्रेड लिया है हमने, वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। और अब मैं इंग्रेडिएंट्स अपने मिक्स करती हूँ। एक बाउल में देखिए फ्रेंड, हमें ये शिमला मिर्च, धनिया, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें हमें एक बाउल में ले लेनी है। और हमें ये चीज़ भी लेना है, चीज़ अभी हम आधा लेंगे क्योंकि हमें ऊपर से भी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर डालने के लिए भी चाहिए होगा। काली मिर्च आधा हम डाल देंगे, मिक्स हर्ब भी, और ये सारी चीज़ें आधी डालेंगे, नमक पूरा डाल देंगे। नमक और चाट मसाला हम दोनों ले रहे हैं तो इसलिए ध्यान से लीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से, मैंने हाथ अच्छे से साफ़ कर लिया है, और हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले सारी चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने तवा रख दिया है, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। और हमें पीछे के साइड में थोड़ा सा बटर लगाना है, जिस तरफ से हमें सेकना है ब्रेड में। बटर लगा लिया है मैंने पीछे के साइड से और आगे के साइड से। ये पिज़्ज़ा सॉस या टोमेटो सॉस आपके पास है, अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस स्प्रेड कर लें अच्छे से पूरे इस पर। और फिर ये जो हमने बनाया था, इसके ऊपर डालने के लिए जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो रख देंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम रख देंगे तवे के ऊपर। तवे को लो मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे, हमने पीछे से बटर लगा दिया है। और ये देखिए, हम ऊपर से फिर से और चीज़ डाल देंगे अच्छे से, क्योंकि पिज़्ज़ा ब्रेड है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने चीज़ डाल दिया है, थोड़ा सा काली मिर्च छिड़क देंगे, थोड़ा सा मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स ये डाल देंगे, हल्का सा चाट मसाला ऊपर से, और इसको हम सिकने देंगे। ऐसे ही मैं दूसरी भी तैयार कर लूँगी। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो नीचे से ब्रेड कड़क हो जाएगी। ये देखिए, मैंने दूसरी तैयार कर ली है। इस पे भी मैं चीज़ डाल दूंगी। ये देखिए, दूसरी भी मैंने ऐसे ही तैयार कर ली है, इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देंगे, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें डाल देंगे और इसे सिकने देंगे। इसको हम फ्रेंड थोड़ा सा लिड से कवर कर देंगे ताकि जो हमने चीज़ डाला है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसे सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी दो पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत अच्छे से तैयार हो गई, नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक गई है। अब मैं इसको प्लेट में रख लूँगी, केयरफुली उठाइएगा। ये वाली थोड़ी सी और सीखनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी दूसरी वाली सैंडविच भी अच्छे से, पिज़्ज़ा ब्रेड भी अच्छे से नीचे से पक गई है। हम इसे उठा के और प्लेट पे रख लेंगे। ये देखिए, मैंने इधर प्लेट पे रख लिया है दोनों, और ऐसे ही हम बाकी के और भी रख लेंगे इस तवे पे। देखिए,
ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। चीज लगा लेंगे अच्छे से, मिक्स हर्ब डाल लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और हम इसे ढक देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड बनके तैयार है। बहुत ही इजीली आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप गार्लिक खाते हो तो आप इसके ऊपर गार्लिक भी डाल दीजिएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कद्दूकस करके या बारीक थोड़ा कूट के गार्लिक डाल दीजिएगा, इसी पेस्ट में मिला दीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड आपको मेरी ये पिज़्ज़ा ब्रेड की रेसिपी तवे पे पसंद आई हो तो मैंने इसे तवे पे बनाया है। आप चाहे तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो तवे पे भी आसानी से आप बना सकते हैं। फ्रेंड जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड कैसी बनी थी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।